प्रीवियस डे जो इंफॉर्मेशन आपको बताई गई थी वो इंफॉर्मेशन थी टू लाइन्स आर पैरेलल देन द रिलेशन बिटवीन दीज ग्रेडियंट्स एंड लाइन आर परपेंडिकुलर देन रिलेशन बिटवीन दीज ग्रेडियंट्स लाइन अगर पैरेलल है इफ ग्रेडियंट आर टू लाइन्स M1 and M2 lines are parallel then the gradient of lines which is equal अगर लाइन पैरेलल है तो टू लाइन्स की ग्रेडियंट के बिटवीन रिलेशन होगा कि वो इक्वल होगी और लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज ग्रेडियंट विच इज इक्वल माइनस वन ये टू रिलेशन है आपके पास लाइन्स अगर पैरेलल है ये कल कैलकुलेशन किए थे हमने अगर नहीं देखे होंगे तो आज जाकर के पहले उस वीडियो को देखो तब आपको ये समझ आएगा कि टू लाइन्स अगर पैरेलल है तो उनके ग्रेडियंट में क्या रिलेशन है और टू लाइन्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनके ग्रेडियंट में क्या रिलेशन है उसी से कनेक्ट एक क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है पहले कि लाइन अगर पैरेलल है तो उनकी ग्रेडियंट इक्वल होगी और लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी ग्रेडियंट का मल्टीप्लिकेशन माइनस वन होगा यहां पर आपके पास कह रहा है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दैट लाइन लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू 3x plus 4y which is equal 7 एक लाइन का इक्वेशन है आपके पास और आपको एक ऐसी लाइन की ग्रेडियंट फाइंड करनी है जो गिवन लाइन के पैरेलल है तो सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट आपके पास सिलेक्शन होता है बेटे कि आप गिवन इक्वेशन आप लाइन राइट कर दीजिए गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन लाइन दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन वो इक्वेशन है बेटे आपके पास 3x प्लस 4y विच इज इक्वल 7 इस इक्वेशन को कह दीजिए आप फर्स्ट और सबसे पहले आप इस लाइन की ग्रेडियंट फाइंड कर लीजिए ग्रेडियंट फाइंड करने का सिस्टम आपको पता है अगर लाइन का इक्वेशन आपके पास है और उस लाइन की अगर आपको ग्रेडियंट फाइंड करनी है तो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे इस लाइन की ग्रेडियंट कैसे फाइंड करेंगे अगर इस लाइन की ग्रेडियंट आपको फाइंड हो गई तो उस लाइन की भी ग्रेडियंट आपको फाइंड हो जाएगी जो इसके पैरेलल है क्योंकि पैरेलल है तो उसकी ग्रेडियंट कैसे होगी इक्वल होगी तो आप में से कोई बता सकता है इस लाइन की ग्रेडियंट हम कैसे फाइंड करेंगे कोई भी हाँ बोलो बेटे बोलो बोल सकते हो कि इस लाइन की ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हमको प्रोसेस क्या करनी पड़ेगी इस लाइन की ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए आपको प्रोसेस क्या करनी पड़ेगी कोई भी सबसे पहले जो लाइन आपके पास गिवन दैट में है उस लाइन को आप y इक्वल mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए वेयर m इज द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन We convert line first in the form y equal mx plus c. इसे y equal mx plus c के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो y की जो टर्म है पॉजिटिव सेंस में